शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की पहली मूवी द आर्चीज का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। लेकिन ट्रेलर रिलीज होते ही शाहरुख खान और गौरी खान को करना पड़ा क्रिटिसिज्म का सामना। लोगों ने एक बार फिर से किया एसआरके को निराश। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। फाइनली शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। सुहाना खान की डेब्यू मूवी द आर्चीज का ट्रेलर कुछ ही दिन पहले रिलीज हो चुका है। सुहाना के साथ अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा और श्रीदेवी की बेटी खुशी भी नजर आईं। और ये फिल्म इन दोनों की भी डेब्यू मूवी है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, सुहाना खान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें एक्टिंग में एंट्री सिर्फ अपने पिता की वजह से मिली है। कई लोगों का कहना है कि इन स्टार किड्स की वजह से बॉलीवुड के कई सारे सुपर टैलेंटेड एक्टर्स इग्नोर किए जाते हैं। कई लोगों ने सुहाना खान की एक्टिंग को भी बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया है। एसआरके के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से कई लोगों का दिल जीता है और फैंस उनके बच्चों से भी बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट एक्टिंग की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सुहाना खान एसआरके के फैंस की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी और एक बार फिर से अपनी बेटी की वजह से शाहरुख खान और गौरी खान को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। वेल दोस्तों, आपको सुहाना खान की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप एसआरके के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए और इनकी बेटी के सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है।